Hello everyone, myself is Anisha from class 5 from Amma Devi Children's Academy, Gola. So, today, wish you all Azadi ka Amrit Mahotsav. So, आज हम लोग, वैसे हम लोग तो 15 अगस्त हर साल मनाते हैं, पर किसी को पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि उस 15 अगस्त में और इस 15 अगस्त में क्या अंतर है. तो चलो आपको ले चलते हैं उस शख्सियत के पास जिसने वह दौर भी देखा है और यह दौर भी देखा है. चलिए तो चलते हैं. तो ये है हमारे बाबा जी मिस्टर राजेंद्रनाथ शुक्ला जी. तो आज हम लोग इन्हीं से जानेंगे. तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पहले मतलब देश जब आजाद हुआ तो नागरिकों को कैसा लग रहा था? अरे पहले तो आदमी नागरिक बहुत परेशान थे अंग्रेजों के आतंक से, और जब देश स्वतंत्र हुआ है तो इतनी खुशी महसूस हुई कि हर आदमी खुशी में उछल पड़ा. सब जगह चारों तरफ हर्षोल्लास था, हम लोग खुशियाँ मना रहे थे. अच्छा, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो वहाँ क्या माहौल थे? अच्छा, देश का बंटवारा होना चाहिए था? बंटवारा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हो गया तब इतनी भयावह थी उस समय कि आदमी का परिवार छूट गया, किसी संपत्ति छूट गई, किसी घर बिछड़ गया, तो वो स्थिति बड़ी भयावह थी उस पीरियड की. तो अच्छा, आम जनता सरकार से क्या मांगे कर रही थी? सरकार से आस्था यही करते हैं हम लोग कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा विकास हो, पब्लिक नागरिकों को स्वतंत्रता मिली है तो उसका उनको एहसास हो कि हाँ स्वतंत्र हो गए हैं, तो उन्हें हर चीज की खुशी होती है. अच्छा, शिक्षा का क्या मतलब शिक्षा कैसी थी तब? शिक्षा का स्तर पहले तो बहुत डाउन था, बहुत माइनस में था, लेकिन धीरे धीरे प्रगति हुई है. आजकल शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा हो गया है पहले के बनस्पत. अच्छा, तो पहले का 15 अगस्त और अब के 15 अगस्त में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में तो डिफरेंस बहुत है. पहले वाले में कुछ बहुत देश प्रगति में नहीं था, अब देश प्रगति में आया है तो वहाँ विकास होने लगा है. तो पहले से और अब में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, प्रगति हुई है. तो हमने यह जाना है कि पहले शिक्षा कैसी थी और हम लोगों ने कुछ और चीजें पता करी, तो इससे हमें ये पता लगता है कि पहले और अब के बहुत बड़ा अंतर है, पहले 15 अगस्त में और अब के 15 अगस्त में और हमारे देश में भी. तो चलिए, थैंक यू. तो आपसे विदा लेने से पहले हमारे दर्शकों के मन में छोटा सा सवाल और आ रहा है कि पहले जो मतलब देश आजाद होने से बाद में जो सरकारें आई और अब जो मोदी युग है उसमें क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है. पहले की सरकारों ने प्रगति बहुत स्लो रखी थी, धीरे धीरे प्रगति बढ़ती गई, लेकिन आज हमारे मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान रक्षा का क्षेत्र बहुत ऊंचा कर दिया है. विदेशों में इसकी अच्छी साख हो गई है. ये मोदी जी की ही विदेश नीति का एक उदाहरण है. उनके देश में भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सबको एक समान मान रहे हैं, किसी का जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, सबकी प्रगति वो अपने परिवार जैसा पाल रहे हैं पूरे देश को. हमारे सभी प्रश्नों का विवाकी से उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.